सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि गाइस आप लोग सब लोग बढ़िया होंगे, तो आप लोग आगे भी बढ़िया रहना गाइस। तो गाइस हमारे फ्री फायर में गाइस एक न्यू इवेंट आ चुका है, जो कि गाइस इस इवेंट का नाम है रैम्पेज पास इवेंट। गाइस इस इवेंट का नाम है, और गाइस वाला इवेंट गाइस चलने वाला है 15 जून से लेकर 21 जून तक। गाइस वाला इवेंट चलेगा। गाइस इस वाले इवेंट में गाइस आप लोगों को रिवॉर्ड्स वगैरह आप लोगों को बिल्कुल फ्री में दिया जाएंगे। जैसे गाइस आप लोग फीमेल का बंडल बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, ग्लू बॉल की स्किन भी गाइस आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलेगी पिंक कलर की, और गाइस में आप लोग गन की स्किन भी मिल सकती है, कटाना की स्किन मिल रही है गाइस। साथ ही साथ गाइस में आप लोग को इमोट भी देखने को मिल रहा है, अभी न्यू वाला इमोट गाइस बाइक की स्किन मिल रही है, कोबरा वाला जो बाइक की स्किन है, न्यू वाली बाइक की स्किन। लेकिन गाइस जो जितने भी रिवॉर्ड्स है जो आप लोग जो फ्री में मिलने वाले हैं, तो गाइस आप लोग को ऐसे नहीं मिलेंगे। इसके लिए गाइस आप लोग को 99 डायमंड यानी कि लगाने पड़ेंगे इसी वाले इवेंट में। तो गाइस 99 डायमंड गाइस कुछ नहीं जा सकता, आप लोग चाहे तो गाइस 99 डायमंड गाइस यानी कि लगा सकते हो। अगर गाइस आप लोग यानी कि 99 डायमंड लगा सकते हो, तो गाइस क्या पता आप लोग ग्लू बॉल की स्किन भी क्या पता परमानेंट निकल जाए, क्या पता न्यू वाला इमोट भी क्या पता परमानेंट आप लोग के पास गाइस हो जाए। तो चलिए गाइस मैं तो गाइस मैं इस वाले इवेंट में गाइस यानी कि डायमंड तो लगाऊंगा। तो चलिए गाइस पहले मैं टॉप अप करके आता हूं, इसके बाद इस वाले इवेंट में अच्छी तरीके से समझाता हूं इस इवेंट में क्या क्या चीज़ें परमानेंट निकल लिया क्या, देखते हैं गाइस। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं अच्छी तरीके से। टॉप अप तो कर लिया गाइस 100 डायमंड का, तो चलिए यहाँ पे मैं अपना यानी कि 99 डायमंड लगा देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ 99 डायमंड लगाया, तो गाइस लिखा गया वेलकम टू फ्री फायर रैम्पेज पास और 7 डेज। तो गाइस चलो इसको मैं काट देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे लिखा रहा डेली लॉगिन रिवॉर्ड्स, यानी कि गाइस अगर आप लोग यानी कि अपना गेम जैसे डेली अगर लॉगिन या रिवॉर्ड्स मतलब गेम ओपन करोगे, तो गाइस आप लोग को यानी कि पर डे यानी कि गाइस आप लोग कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो जैसे गाइस मैंने यहाँ पे 99 डायमंड लगाया, तो गाइस आ जाए पहला दिन, तो गाइस मेरा पहले दिन अपना गेम ओपन करा, तो गाइस मुझे गन की स्किन मिल गई यानी कि फ्री में। तो जो गाइस मैंने अभी जो यानी कि गन की स्किन जो क्लेम किया था M60 गन की, तो गाइस वो मुझे यानी कि परमानेंट भी मिली होगी बना गाइस यानी कि 24 घंटे के लिए गाइस मिली होगी। तो गाइस वो मैं आप लोगों को यानी कि दिखा दूंगा कि परमानेंट है बना 24 घंटों के लिए मिली है। तो गाइस जैसे कि आप लोग फिर इसके बाद दूसरे दिन अपना फ्री फायर जैसे कि ओपन करूँगा बना लॉगिन करूँगा अपने गेम को, तो गाइस आप लोग दूसरे दिन बाद गाइस यानी कि आप लोगों को एक कटाने की स्कीम आप लोगों को फ्री में मिलेगी। फिर गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई जैसे हम दूसरे दिन यानी कि अपना फ्री फायर ओपन बना गेम लॉगिन करेंगे, तो हमें क्या कटाने की स्किन परमानेंट मिलेगी? तो गाइस ऐसा नहीं गाइस, आप लोग कटाने की स्किन गाइस परमानेंट भी गाइस निकल सकती है बना गाइस से, आप लोग को 24 घंटे के लिए भी गाइस मिल सकती है अपनी कटाने की स्किन है। जितने भी ऊपर के रिवॉर्ड्स है जैसे कि मोट हो गया, गन की स्किन हो गई, बाइक की स्किन हो गई कोबरा वाली, तो कैसे आप लोगों को जो ये मिलने वाले गाइस रिवॉर्ड्स वगैरह, तो कैसे आप लोगों को यानी कि पर डे लॉगिन करने पे मिलेगी। यानी कैसे आप लोगों को पर डे यानी कि लॉगिन करना है, तो कैसे आप लोगों को तभी मिलेंगे जबकि कैसे आप लोगों को 99 अगर आप लोगों ने डायमंड लगाया होगा तब जाकर आप लोगों को रिवॉर्ड्स वगैरह मिलेंगे पर डे। अगर आप लोगों को डायमंड नहीं लगाया होगा, तो कैसे जितने भी रिवॉर्ड्स वगैरह आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो अगर गाइस अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, तो गाइस मैं आप लोगों को फिर से समझा देता हूं। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने अपना यानी कि 99 डायमंड लगाया, तो गाइस आप लोगों को क्लेम करने के लिए मिलेगी M60 गन। फिर इसके बाद गाइस आप लोग जैसे ही अपना कल गेम ओपन करोगे बना लॉगिन करोगे, तो गाइस आप लोगों को जैसे इस वाले इवेंट में जाओगे, तो गाइस आप लोगों को कल मिलेगी कटाना की स्किन। यानी कि गाइस फिर इसके बाद गाइस आप लोग फिर तीसरे दिन बाद जाओगे, 3 दिन बाद, तो गाइस 3 दिन बाद मिलेगी आप लोग को फिर से वो गन की स्किन मिलेगी। फिर इसके बाद गाइस फिर आप लोग चौथे दिन बाद आओगे अपने गेम के अंदर, चौथे दिन बाद आप लोगों को मिलेगा गाइस यानी कि न्यू वाला इमोट। तो गाइस ऐसे आप लोग अपना पर डे यानी गेम ओपन करना लॉगिन करना आप लोगों को यानी कि पर डे यानी कि एक एक रिपोर्ट वगैरह आप लोगों को गाइस मिलते रहेंगे गाइस। तो गाइस फिर इसके बाद गाइस आ जाते हैं 7 डेज के बाद, यानी गाइस फिर इसके बाद आप लोग जैसे कि 7 डेज हो जाएंगे यानी 7 दिन बाद जैसे अपना गेम ओपन करूँगा मैं लॉगिन करूँगा, फिर गाइस आप लोगों को 7 दिन बाद मिलने वाली है यानी कि गाइस ग्लू बॉल की स्किन, वो भी गाइस पिंक कलर की। तो गाइस जो ग्लू बॉल की स्किन जो आप लोग को मिलने वाली है, तो गाइस वो आप लोग गाइस यानी कि परमानेंट भी गाइस मिल सकती है वरना गाइस आप लोग को यानी कि 30 दिनों के लिए भी गाइस मिल सकती है जो पिंक वाली ग्लू बॉल की जो स्किन है। तो गाइस वो तो मैं अभी गाइस ठीक से नहीं कह सकता कि गाइस गरीना वाला गाइस परमानेंट भी गाइस दे सकते हैं बना गाइस आप लोग को 3 दिन के लिए भी गाइस दे सकते हैं ग्लू बॉल की स्कीम, मतलब 7 दिन के लिए भी गाइस दे सकते हैं। तो चल गाइस अब मैं आप लोगों को जो गन की स्कीम क्लेम किया था वो क्या नाम है रैम्पेज वाले पास वाले इवेंट में जो अभी मैंने इस पर टॉप अप किया था, तो गाइस ये देख लो गाइस वाली जो गन की स्कीम मुझे मिली है गाइस ये मुझे परमानेंट ना मिली नहीं गाइस 7 दिनों के लिए नहीं भी नहीं मिली। तो गाइस मैं मिली है गाइस यानी कि 24 घंटे के लिए गाइस ये मुझे मिली वाली जो गन की स्कीम है M60 की, जो कि गाइस मैंने अभी अभी क्लेम किया था रैम्पेज वाले पास वाले इवेंट में। तो अगर गरीना वालों ने गाइस जो गन की स्कीम दी गई ये परमानेंट नहीं दिया गाइस, सिर्फ मुझे गाइस 24 घंटों के लिए दिए, यानी गाइस जो आप लोगों को कटाने की स्कीम जो मिलेगी गाइस वो भी गाइस मुझे लगता है 24 घंटों के लिए भी गाइस मिल सकती है कटाना की स्किन। तो गाइस वो तो कल ही पता चलेगा जब मैं कल अपना गेम ओपन करूँगा मतलब लॉगिन करूँगा, तो गाइस कल ही पता पड़ जाएगी कल कटाने की स्कीम कितनी दिनों के लिए मिलती है। बाकी गाइस आप चलते हैं आगे गाइस, वापस से आ चुका मैं इस वाले इवेंट में। तो गाइस मैं आ जाऊँ आगे मैं तीसरे नंबर पर, तो गाइस यहाँ पे लिखा डेली मिशन शॉप। तो गाइस यहाँ पे यानी कि आप लोग को डेली यानी कि मिशन वगैरह जो दिए गए गाइस आप लोगों को यानी कंप्लीट करने हैं। जैसे गाइस आप लोग पहला मिशन देखिए गाइस आप लोग पहले मिशन में गाइस आप लोग क्या करना है इसको हटा देता हूँ। तो गाइस पहले मिशन में आप लोग क्या करना है आप लोग को 250 तक गाइस आप लोग डैमेज देना है। अगर गाइस आप लोग 250 तक डैमेज देते हो, तो गाइस आप लोग को एक यानी कि टाइगर वाला एक टोकन मिलेगा। अगर गाइस आप लोग यानी कि 20 टोकन कर लेते हो 20 यानी कि 250 डैमेज देके, तो गाइस आप लोग को जो थम्सम की स्किन है वो गाइस आप लोग को मिलेगी। तो गाइस वो तो नहीं कह सकते गाइस परमानेंट भी गाइस मिल सकती है थम्सम की जो स्किन है रेड वाली। और गाइस इसके बगल में गाइस आप लोग को अगर आप लोग यानी कि 8 टोकन कर लेते हैं, तो गाइस आप लोग को एक यानी कि बंटी टोकन भी गाइस आप लोग को मिल सकता है। और गाइस तीसरा मिशन भी देख लो, तीसरा मिशन यह है कि गाइस आप लोग को
यानी कि गाइस क्लासिक स्क्वाड में गाइस आप लोग को 5 हेडशॉट मार रहे हैं, यानी कि गाइस अगर आप लोग 5 हेडशॉट मारते हो क्लासिक स्क्वाड में तो गाइस आप लोग फिर से 2 टोकन मिल जाएंगे। फिर इसके बाद गाइस आप लोग यानी कि मैजिक क्यूब की जो होती है गाइस मैजिक क्यूब फ्रैंकनेस वो ले सकते हो। और फिर इसके बाद गाइस अगर आप वीपर रॉयल वाउचर लेना चाहो वीपर रॉयल वाउचर वो भी गाइस आप लोग ले सकते हो। और गाइस आप आ जाते हैं गाइस नीचे की साइड भी गाइस वही है, यानी कि गाइस आप लोग को 10 हेडशॉट मारने अगर आप लोग यानी कि 10 हेडशॉट मारते हो यानी कि एनिमी को तो गाइस आप लोग को यानी कि गाइस 3 टोकन मिल जाएंगे। यानी कि गाइस पहले मिशन में आप लोग 1 टोकन मिलेंगे, दूसरे मिशन कंप्लीट करने तो आप लोग को यानी 2 टोकन मिलेंगे, तीसरा मिशन कंप्लीट करने पे आप लोग को 3 टोकन मिलेंगे। तो गाइस वही मान लो आप लोग को पर डे यानी कि 5 यानी कि टोकन गाइस आप लोग को मिलेंगे। तो गाइस कल अलग से कोई और से मिशन भी गाइस आ सकता है। तो गाइस आप आ जाते हैं नीचे, तो गाइस जैसे मैं इस वाले नीचे वाले इवेंट में आया तो गाइस मैं आप लोग को यानी कि बंडल मिल रहा है, तो गाइस स्पिन मारना पड़ेगा तब जाकर आप लोग को बंडल दिया जाएगा फ्री में। तो गाइस मैं आप लोग को पैट का फूड भी देखने को मिल जाता है, बैजेस मिल जाते हैं, डायमंड रॉयल का गाइस बोचर मिल जाता है। तो गाइस आप लोग फीमेल का गाइस बंडल जो मिलने वाला गाइस स्पिन मारने पे ही गाइस आप लोग को फीमेल का बंडल मिलेगा। तो गाइस स्पिन में गाइस यहां पे स्पिन मैंने मारा था, गाइस मैं स्पिन नहीं मार पा रहा, तो गाइस स्पिन आप लोग क्यों नहीं मार पा रहे? गाइस मैंने यहाँ पे स्पिन मारा था तो गाइस स्पिन में नहीं मार पा रहा, तो गाइस स्पिन में क्यों नहीं मार पा रहा इसके लिए आप लोगों को मैं बता दूँ कि गाइस इसके लिए अगर आप लोगों को यानी कि गेम खेलना पड़ेगा 5 बार, तो अगर आप लोग 5 बार गेम खेलते हो तो आप लोग तब जाके यानी कि स्पिन मार सकते हो। अगर आप लोग 1 गेम खेलोगे तो आप लोग 1 स्पिन मार सकते हो, दूसरी बार खेलोगे दूसरा गेम प्ले तो आप लोग दूसरी बार स्पिन मार सकते हो। तो गाइस आप लोग टोटल यानी कि 5 चांस मिलेंगे स्पिन मारने के लिए। तो गाइस आप लोग मार लेना गेम खेल के स्पिन भग रहा है, तो गाइस देख लेना आप लोग क्या पता बंडल भी क्या पता फीमेल का परमानेंट भी गाइस आप लोगों को मिल सकता है। गाइस बाकी मैंने आप लोगों को सारा कुछ बता भी दिया समझा दिया। तो कैसे अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगा इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और कैसे अगर आप लोग चैनल पर न्यू आए हो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो कैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का पेज जोर से कर लेना, और साथ साथ कैसे आगे वीडियो को शेयर जोर से कर देना, नीचे कमेंट कर जरूर से करना। और जो सेंसिटिविटी वाली जो वीडियो आने वाली गाइस वो आप लोग कल मिल जाएगी गाइस जो सेंसिटिविटी वाली वीडियो। तो कैसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।